कोई नहीं, तो भी हो, आई भाई थिंक नहीं, उनके बच्चों के स्कूल है ना अभी, वो ऑफ तो अभी वो बिजी होंगे बच्चों के साथ। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, हम लोग फॉर एवर अल्ट्रा लाइट शेक के बारे में बात करेंगे। अक्सर जो मैंने देखा है, जो मैंने वीडियोस में भी देखे, हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें ज़्यादातर कितने इसमें क्वांटिटी है, एक आपको कितना मिलेगा, 15 ग्राम्स मिलेगा पर, वो सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें ये देखना होता है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स दूसरों के साथ में। क्योंकि मैं भी अपने अगर किसी क्लाइंट को बताऊं कि कोई ये प्रोडक्ट लो, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता होगा इसमें क्या है जो मैं बताऊंगी उनको, जिससे उनको लगे कि नहीं वो अच्छा है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे शेक्स मिलेंगे, प्रोटीन, वे प्रोटीन होता है और भी कोई प्रोटीन होता है और सोया प्रोटीन होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसा है जो वो लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करेंगे, यस, जो मैंने कंपेयर किया है, जो मैं देखे कुछ जो जो शेक्स होते हैं या प्रोटीन शेक्स होते हैं, जो मैंने मोस्टली बेस्ट प्रोटीन शेक्स देखे हैं यहाँ पे, उनमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। जो हमारे में है उसमें 18 अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में एमिटीन होता है, एमिटीन मीन्स ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स जो इजी डाइजेशन के लिए होते हैं, मतलब इजी डाइजेस्ट होते हैं। और हमें ये जो सोया जो होता है उसमें कहा जाता है कि ये लो कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि जो हमारा फॉर एवर अल्ट्रा लाइट शेक है, इसमें एमिनिटीन है, एमिनिटीन अमिनोटीन मीन्स ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स, जिसमें एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स। ये आपने देखा होगा उसमें, जब आप अपने शॉप में लिंक करते हैं ना, उसमें डिटेल्स दिए होते हैं, ये ब्रांच्ड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये देखना है ये क्या चीज़ है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या ऐसी चीज है जो हमारे प्रोडक्ट्स में इतना ये कर रहा है। ठीक है, तो 18 अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं बनते हैं। ठीक है, नॉन अमीनो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी बनाती है। और जो हमारे जो बॉडी में रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, प्रोटीन या हॉर्मोन्स या न्यूट्रो ट्रांसमिटर्स, ऐसे करके ये हमारे अमीनो एसिड्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और हमारे जो फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिश, मीट, सोयाबीन, ये सब रिच होने चाहिए, ये सब रिच होते हैं अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जब बंदा लेता है प्रोटीन वो ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड्स में, वो फिर हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाता है ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को या बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करें। कुछ लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए या मूड इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, या हमारे जो कुछ एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल हॉर्मोन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। कंडीशनल मीन्स जो हम हमें फॉर एग्जांपल एसेंशियल वो होते हैं 9 अमीनो एसिड्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं, क्या मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं, 9 एसेंशियल कौन से होते हैं, या जस्ट इन जनरल कि ये जो 9 होते हैं उसको हम डिटेल्स में नहीं देंगे, जस्ट कि ये प्रोटीन है या ये अमीनो एसिड है, उसको हम कैसे ये करेंगे। सीमा बाप बताएंगी, क्या मैं पूरा डिटेल बताऊं इसमें? आप हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल में तो बताना चाहिए था कि जारी ठीक बात है, है, जैसे मुझे नॉलेज इतना नहीं है, मुझे कुछ पता ठीक लगेगा, है, मैं ओके, उसको नहीं लिख लूंगी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में एक्चुअली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, ग्रो करने के लिए, हमारी फंक्शन प्रॉपर करने के लिए, सब इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन 9 क्लासिफाई किए गए हैं इम्पोर्टेंट।
जो हमारी एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बनाती है, और हम कैसे इनको लेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में जब हमारी बॉडी नहीं बनाती, हम फूड से लेते हैं ये फूड, मतलब चिकन मीट या कोई भी जिसमें एग हो गया, उसमें से हम ये अमीनो एसिड्स लेते हैं, यानी कि प्रोटीन लेते हैं। और हमारे जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हम बोलते हैं उनको, एक हमारी फॉरेवर में है आर्जिनिन करके, वो नॉन एसेंशियल है, वो हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन जब हमारे किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है, उसको हम यूज़ करते हैं, ताकि आर्जिनिन को हम उसको अगर प्रॉब्लम हो गई ना किसी को, किसी इंजरी हो गई, किसी का फ्रैक्चर हो गया, या किसी को कोई ऐसी चीज़ में प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि किसी का कैंसर होता है तो उसको हीलिंग में चाहिए होता है, तो हम आर्जिनिन उनको दे सकते हैं, जो हमारे पास भी है, हमारे फॉरेवर में भी है। तो जो हमारे फूड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो जिसमें हम लोग ये क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं मसल्स और रेगुलेट करते हैं इम्यून फंक्शन। मैं आप नाइन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। फर्स्ट वन इज फिनाइल लामीन अमीनो एसिड। ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शन, यानी कि एंजाइम प्रोडक्शन में, अदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ये हेल्प करता है इसको बोलते हैं टू टर्न द अमीनो एसिड्स इनटू ट्रांस न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स, यानी कि ये ऐसे अपने जो फंक्शंस होते हैं, दूसरे जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने में, प्रोडक्शन करने, एंजाइम को आगे बढ़ाने में। फिर है दूसरा वैलिन। वैलिन ऐसा अमीनो एसिड है, वो हेल्प करता है मसल स्टिमुलेट करने में, रिजनरेशन करने में, मसल रिजनरेशन मीन्स फिर से जनरेट करने में, और एनर्जी प्रोडक्शन में ये यूज़ करता है। फिर है थ्रियोनिन इज ऑल्सो वन थर्ड अमीनो एसिड। ये क्या करता है, ये कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हम लोग कोलाजन लेते हैं ना आजकल, मरीन कोलाजन, कोलाजिन वो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है, वो नॉन एसेंशियल में आता है, तो उसको हेल्प करता है प्रोडक्शन में, और कनेक्टिव टिश्यू में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक योर स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज, और इम्पोर्टेंट हेल्प करता है फैट फैट मेटाबॉलिज्म में और इम्यून फंक्शन में। इसको अगर आपने स्पेलिंग लिखनी है, THREONINE, थ्रियोनीन, ओके। ये है थर्ड अमीनो एसिड। फिर है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो TRYPTOPHAN। ये क्या करता है, ये वाला अमीनो एसिड हेल्प करता है एपिटाइट को रेगुलेट करने में, स्लीप और मूड को प्रॉपर, यू नो, मूड अच्छे करने में ये हेल्प करता है। वैसे हमारा है मिथियोनीन, METHONINE, मिथियोनीन, ये भी हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में, टिश्यू ग्रो करने में, एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक एंड सेलेनियम मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट हेल्थ प्ले रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, तो इसको ये हेल्प करता है। तो फिर है ल्यूसीन। ल्यूसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हेल्प करता है मसल रिपेयर करने में, ब्लड शुगर रेगुलेट करने में, वूंड हीलिंग में, और हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में ये वाला अमीनो एसिड हेल्प करता है। और आइसोल्यूसीन नंबर 7, ISOLEUCINE। आइसोल्यूसीन क्या करता है, ये हेल्प करता है मसल मेटाबॉलिज्म में, ये इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर है लाइसीन, LYSINE। लाइसीन इम्पोर्टेंट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन,
प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो ये सब इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कोलाजिन एंड इलास्टिन। फिर है नंबर 9, हिस्टिडीन, HISTIDINE। हिस्टिडीन जो है वो हमारी बॉडी में एक एक वो क्या है, एमिनो एसिड है। तो ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, डाइजेशन, सेक्सुअल फंक्शन और स्लीप, यू नो प्रॉपर स्लीप वगैरह, ये सब चीज़ में हेल्प करता है। इट्स क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग माइसिलिन शीथ, इट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर दैट सराउंड्स योर नर्व सेल्स। मतलब आपके नर्व सेल में प्रोटेक्टिव एक बैरियर बनाता है, जो हिस्टिडीन जो है हमारा एमिनो एसिड, ये आपको हेल्प करता है, आपके नर्व सेल्स का एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है आपके नर्व सेल्स में। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट रोल करता है मसल डेवलपमेंट में और रिपेयर में, और ये हेल्प करता है आपके योर बॉडी डिपेंड्स ऑन देम फॉर सो मच मोर। ये जो हमारी 9 अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल हैं, ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ये हमें लेने पड़ते हैं फूड सोर्स से, इधर मीट, पोल्ट्री, फिश, ये सब चीज़ें सोर्स, आउटसाइड सोर्स से लेने पड़ते हैं। और ये जो क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स देते हैं, ये जो हेल्प करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प इन विद द मूड्स। मतलब आपका मूड को, अगर आप देखेंगे ना, हम लोग जब शेक लेते हैं, किसी ने लिया है अभी तक शेक? अपन हमारे ग्रुप में किसी ने शेक लिया है? नहीं, जस्ट सेल ही किया। सेली किया है? जब आप खुद देखोगे ना, तो इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है उसमें। मतलब ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो फॉर एग्जांपल जो लोग वेट लूज और वेट गेन के लिए, हम जनरल भी ये यूज कर सकते हैं। जनरल मतलब जैसे जिसको फूड ज्यादा अच्छे से वो खाता नहीं है, जो प्रोटीन ज्यादा अच्छे से नहीं खाता, या रश में होते हैं तो आउटसाइड फूड खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि इसमें डेली रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए है, तो इसलिए ये सही भी हो सकते हैं विद नॉर्मल पर्सन के लिए भी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, सिर्फ वेट गेन या वेट लूज या डिटॉक्सिफिकेशन शेक प्लान बनाया है इसलिए, वो इसलिए होता है। हम लोग क्यों ये शेक प्लान देते हैं, उसमें शेक क्यों ऐड करवाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लोग डाइट करते हैं वो लोग हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, जो खुद से करते हैं। अगर आप देखोगे जो लोग खुद से डाइट करते हैं, उनके हेयर फॉल हो जाता है, उनके और भी इश्यूज हो जाते हैं, बॉडी एक वीकनेस या अदर इश्यूज फिर डेवलप हो जाते हैं। वो क्यों? और उनकी शाइन भी चली जाती है, फेस भी बड़ा पता नहीं कैसा लगता है, वो क्यों? क्योंकि उनके बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं आ जाता है, वो पूरा खाना पीना छोड़ देते हैं, वो भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया, तो उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो लूज हो जाते हैं ना। हम लोग पूरा बुक वो कर देते हैं अपना, तो उस वजह से ये प्लान जो होता है वो एक प्रोटीन फिक्स्ड प्लान होता है, ताकि वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पर डे की वो कंज्यूम हो जाए, ताकि आपको उसकी कमी ना लगे। इस वजह से ये शेक उसमें ऐड करवाते हैं। इन जनरल भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसको जैसे कोई वेजिटेरियन है वो लोग ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ज़्यादातर वो दालें जो वगैरह लेते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है कि वो कंज्यूम कर सके, तो एडिशनल ये भी ले सकते हैं। तो हेल्दी बेनिफिट्स में हम एक केमिकल आता है, अच्छा जी, हेल्थ बेनिफिट्स है, एक तो ये मूड को आपके बहुत अच्छे से करता है, और मे इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया कि ये कैसे इम्प्रूव करते हैं आपके ग्रोथ को, आपके एनजाइटी, यानी कि अगर आप लोग, इसमें कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं कि 11 हाई क्वालिटी स्टडीज में बताया गया है कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है वो डिक्रीज करता है एनजाइटी और आपके मूड को पॉजिटिव करता है, इंक्रीजेस द पॉजिटिव मूड इन हेल्दी पीपल। मतलब आपके मूड को भी सेट करता है आपके, क्योंकि आप अगर आपका जो फूड लेवल है प्रॉपर प्रोटीन है, ऑब्वियसली आप
आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आप एक्टिव भी रहेंगे, आपका मूड भी सही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है ट्रिप्टोफैन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, एक केमिकल होता है, वो एक्ट करता है एज ए न्यूट्रो ट्रांसमीटर इन योर बॉडी। वो क्या करता है, सेरोटोनिन इज एन एसेंशियल रेगुलेटर ऑफ मूड, स्लीप एंड बिहेवियर, ठीक है। सेरोटोनिन इज ऑल्सो एसेंशियल रेगुलेटर ऑफ मूड, स्लीप एंड बिहेवियर। वाइल लो सेरोटोनिन लेवल्स हैव बीन लिंक्ड टू डिप्रेस्ड मूड एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और फिर है इट में इम्प्रूव द इंक्रीज एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। कुछ लोग जिन्होंने वैलिन, ल्यूसीन या आइसोल्यूसीन जैसे ये अमीनो एसिड्स लिए हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें जो उनको बोलते हैं क्या BCAA, मीन्स ये एक चेन की तरह ग्रुप किए होते हैं इन्होंने अमीनो एसिड्स। तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाऊंगी, वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो आपके मसल को स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपके कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें बताया गया है कि आपके मसल को रिकवरी करते हैं, और एक्सरसाइज के बाद जो वो सोरनेस नहीं होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शेक अगर आप लें तो पहले आप एक्सरसाइज करके उसके बाद आप शेक ले लें, ताकि आपकी जो सोरनेस है एक्सरसाइज की वजह हो जाती है वो कम हो जाता है, उससे वो हेल्प करता है, ठीक है। और फिर जो है अनदर रिव्यू इंक्लूडेड इन 9 स्टडीज, उसमें क्या गया है कि मसल डैमेज जो होती है या सोरनेस होती है, या जिन जो एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, एथलेटिक परफॉर्मेंस एथलीट जिम जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि प्रोटीन सोर्स, यानी कि जब आप अपने किसी को लाइव करते हैं ना, आपने ये डिटेल में नहीं देना कि ये प्रोटीन है उसमें, लेकिन आप इन जनरल बोल सकते हैं कि इससे आपका ये हो सकता है, जो एथलेटिक है या एक्सरसाइज करते हैं हार्ड एक्सरसाइज बहुत एक्टिव हैं, जिनके सोर मसल्स हो जाते हैं, या जो उनका मूड पॉजिटिव हो जाता है, एनजाइटी वगैरह कम हो जाती है, ये सब इंक्लूड करेंगे आपने इस जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इट मे हेल्प, इट मे बी हेल्पफुल फॉर वुंड हीलिंग एंड सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एमिनो एसिड्स एज अ सप्लीमेंट मे बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर हीलिंग आफ्टर सर्जरी, जिसमें बोला गया है कि सम स्टडीज हैव शोन विद द पेल्विस और लॉन्ग फ्रैक्चर बोन फाउंड दैट हु टू कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स फॉर 2 वीक्स आफ्टर सर्जरी हैड लो रेट्स ऑफ डेथ एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस दैन दोज हु रिसीव्ड स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन। वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन हैं, ग्लिसिन एंड आर्जिनिन, जो हमारे प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल है आर्जिनिन। कोई बता सकता है कौन सा है, शॉर्ट फॉर्म में उसका नेम आपको कुछ पता है, कौन सा सॉरी, प्रोडक्ट? आपने क्या पूछा है, सुना नहीं मैंने। जी, हमारे फॉरएवर में एक प्रोडक्ट है जिसको हम वुंड हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या जिसको सर्जरी हो गया, या किसके किसी की कीमोथेरेपी होती है तो उसके बाद हीलिंग में ये हेल्प करता है। ये इसको हम बोलते हैं कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल। यूजुअली हमारी बॉडी ही बनाती है, लेकिन बहुत कम, लेकिन अगर हम जिसकी सर्जरी होती है, बोन फ्रैक्चर होता है, उसको हम ये दे सकते हैं। आपको कुछ पता है कौन सा प्रोडक्ट हमारे इसमें है, हमारे फॉरेवर में एक प्रोडक्ट है जिसको हम एज अ हीलिंग दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, कुछ आइडिया है कौन सा? अभी माइंड काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बताती हूँ। RG+, नाम सुना होगा आपने, RG+। जी, जी, RG+ एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, या उसको हम बोलते हैं कंडीशनली एसेंशियल, यानी कि कभी कभी हम उसको एडिशनल ले सकते हैं जब हमें किसी की, फॉर एग्जांपल वुंड हीलिंग में चाहिए होगा, या सर्जरी हो गई किसी की, कुछ ऐसा हो गया, तो इसको हेल्प करता है हीलिंग में, RG+ जिसको बोलते हैं हम, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने इसमें।
अच्छा जी, कुछ ऐसी स्टडीज भी हो गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि पीपल हु टुक दिस BCAA मींस एसेंशियल अमीनो एसिड्स अराउंड द टाइम ऑफ सर्जरी हैड रिड्यूस्ड द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड अ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन, जो कभी कभी इन्फेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन होती है, वाटर होता है ना, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हेल्प किया है ये सर्जरी, ये स्टडीज हुई है कि ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है हेल्प करता है आपके जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको कम करने में, ठीक है। और है फूड सोर्सेज रिकमेंडेड इनटेक, अगर बिकॉज योर फूड कैन नॉट प्रोड्यूस एसेंशियल एमिनो एसिड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट देम फ्रॉम देयर डाइट, मतलब मेनी फूड सच एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स मेकिंग इट इजी टू मीट योर डेली नीड्स, जैसे कि हिस्टिडीन कितना चाहिए, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, हमारे इसमें ऑलरेडी दिया है, हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्केट में, उनमें दिया होता है कि ये कितना MG है, कितना MG है, हिस्टिडीन कितना है, कितना है ल्यूसीन, कितना है। मैंने देखा है जस्ट 2 days back आई वॉज चेकिंग इट कि कैसे क्या करेंगे, उसमें मैंने देखा है ये पूरा डिटेल भी दिया है किसमें कितना MG, ये सब एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, इसमें फूड सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं एमिनो, जिसमें प्रोटीन मिल जाएगा या एमिनो एसिड्स मिलेंगे, मीट, सी फूड, पोल्ट्री, सोया प्रोटीन इज द बेस्ट कंप्लीट प्रोटीन सोर्स इसीलिए। और ये जो हमारा सोया प्रोटीन है, सोया शेक है, ये वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, ना कोई भी ले सकते हैं। किसमें? सेकेंड, एक से। अच्छा ठीक है, मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ उसमें। अच्छा जी, फिर है हमारा जो अच्छा जी, प्लांट सोर्स में जो प्रोटीन है सच एज बीन्स, नट्स, सर्टेन ग्रेन्स, दीज आर कंप्लीट कंसिडर्ड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। व्हाई? बिकॉज दे लैक वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये जो सबसे ज्यादा सोया एंड पी प्रोटीन कहा जाता है कि वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन जो प्लांट सोर्सेज वाले प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, हमें एडिशनली कुछ प्रोटीन लेने पड़ेंगे। सिर्फ ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते हैं जो प्लांट बेस्ड जो अदर प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, किनोवा वो भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, मीट तो है ही, चिकन तो है ही, फूड ये सो है ही, लेकिन किनोआ भी एक कंटेन्स 9 essential amino acids, वो आप अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। अच्छा जी, कुछ बेनिफिट्स जो है जो हम बता रहे हैं इसमें, हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं, जो हमारी बॉडी बनाती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दैट इज योर अर्जिनिन, एमिथिनिन, प्रोलिन एंड सेरीन। ये सब अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, ग्लूटामीन हमारी बॉडी बनाती है, ग्लिसिन हमारी ग्लाइसिन हमारी बॉडी बनाती है, और ट्रायोसिन हमारी बॉडी बनाती है, ग्लूटामिक एसिड हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन ये सब उतना नॉन एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन कंडीशनली हम एडिशनल यूज कर सकते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ सकती है तब हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने इसमें से 9 essential amino acids बताए उसमें से 3 हैं जिनको हम बोलते हैं BCAA मीन्स ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये फिर बहुत एक अलग टॉपिक है, जिसको इंटरेस्ट होगा फिर मैं बताऊंगी, अभी मैं ये डिस्कस नहीं करना चाह रही। तो हमारे जो प्रोटीन है, हमारा क्या डिफरेंट प्रोटीन है देन अदर, कि
हमारा प्रोटीन जो है सोय प्रोटीन है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, या हमारे जो दूसरे प्रोटीन्स हैं वो वे प्रोटीन और केसिन होते हैं, यानी कि वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं जो हम डेयरी प्रोडक्ट से बनते हैं। तो कुछ लोग जो मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, जो लैक्टोस जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो आराम से सोयाबीन सोया वाला ये ले सकते हैं, ठीक है। तो मसल बिल्ड करने में, या आई मीन प्रोटीन फूड जो अदर डाइट में वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी में किसको कितना चाहिए। बहुत सारे जो एथलेटिक होते हैं वो डिफरेंट डोजेस ले लेते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस लेते हैं। आप देखेंगे जब आप एक्टर्स भी होते हैं तो डिफरेंट डोजेस डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के लिए लेते हैं प्रोटीन्स। लेकिन ये ऐसा, ये अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तब प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस डाइट नहीं है, अब आप कोई कोई ये वेट लॉस कर रहे हैं, कोई वेट गेन कर रहा है, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसको चाहिए ही चाहिए कि वो प्रोटीन पाउडर ले, या नॉर्मली भी ले सकते हैं अगर कोई वीक है, कोई आराम से ले सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, मैसेज का मैंने देखा नहीं, किधर है मैसेज, मुझे रीडिंग नहीं आ रही है, किधर कहाँ से देखो, साइड में, हाँ उसमें है, एड अदर्स इन ऑल मैसेजेस, इन ऑल इन कॉल मैसेजेस और व्हाट, जी मैम कुछ चीजें हैं जो मतलब बीच में शायद काम भी इधर कर रही थी, बच्चे को सुला रही थी, तो कुछ मिस हुई हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपकी वो जब आप अपने पेज पे पोस्ट करेंगी ना, फिर मैं डिटेल से सुनूंगी। इंशाल्लाह मैं करूँगी फिर से। आज एक्चुअली मैंने जस्ट लिखा ना, तो रीडिंग में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया है ना, क्योंकि मिक्स हो गया सारा, तो इस वजह से मुझे ढूंढना पड़ा। इंशाल्लाह हम फिर से करेंगे, अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो फिर मैं और भी डिटेल्स में जाऊँगी। तो मैं चलिए आज करते हैं एक लेसन, कि सिर्फ हमें ये नहीं दिखाना है कि प्रोटीन पाउडर इसमें जो लिखा होता है वही नहीं पढ़ना है, हम खुद नॉलेज गेन कर सकते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे डेली यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि दूसरों को देने में, हम खुद भी यूज कर सकते हैं ये। हाँ जी मुझे समझ आ रही है, मैं काफी यहाँ पे कुछ, लिख भी सकती हूँ आपको, 9 एसेंशियल लेकिन अमीनो मैं एक एसिड्स दफा जो दोबारा हैं। इसको जो है ना सुनूंगी ताकि मुझे प्रॉपर जो है वो जरा नॉलेज हो, क्योंकि सारी बात है अभी इतनी सारी नॉलेज नहीं है इस वजह से भी जरा, लेकिन काफी चीजें मुझे समझ आई हैं, काफी सारी चीजें जो है ना मुझे पता लगी। जी, जी मैं एक्चुअली लिख रही हूँ जो जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो थोड़ा जब इवन मुझे खुद भी इनकी, मुझे नहीं मालूम था ये सब जब, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, मैं थोड़ा डिटेल में ज़्यादा ही जाती हूँ, मुझे क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकती लोगों को आप ये लो ये लो ये लो, तब जब मुझे खुद पता नहीं हो कि इसमें है क्या। मैम वो मुझे पूछना था, अभी तो चलिए सेशन हो रहा है हमारा ना केक का,
नेक्स्ट जो है वो आज मैं देखो, समिया ने आज एक लिस्ट सेंड करना, तो फिर उसके मुताबिक हम चलेंगे कि कौन प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होगी। और ये जो आज रात की मीटिंग है, क्या है कि वो भी इस टाइम पर हो रही है प्रोडक्ट नॉलेज पे? जी, अगर आप आज आज की होमवर्क ये होगी आप सबके लिए, आप 9 एसेंशियल जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं गूगल में, आप चेक करेंगे उनमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, जो भी शेक्स हैं उनमें दिया गया होगा कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है कौन सा नहीं है, और फिर आप कंपेयर करेंगे अपना शेक। फिर हम डिस्कस करेंगे आपने क्या क्या देखा, आपका प्रोडक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है दूसरों के हिसाब से, या क्या इसमें नहीं है जो दूसरों के प्रोडक्ट्स में है। मार्केटिंग मार्केटिंग का साइड तो यही है कि अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे ना, कि लोगों को कैसे बताएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है एसेंशियल प्रोटीन्स। कॉन्फिडेंस। सॉरी, मुझे मुझे एक्चुअली तो इंग्लिश को मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करने में लिटिल बिट डिफिकल्टी होती है ना, जब आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में फिर उसको ट्रांसलेट करना होता है ना उसमें, उर्दू में तो इस वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है। अदरवाइज मुझे अगर इंग्लिश में ही बोलना होगा तो फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ ना, पता होगा क्या है तो। और मैं ज्यादातर जो है ना उर्दू में उर्दू को लिखती हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और वो मेरे घर वाले बच्चे सब कहते हैं ये आप कैसे कर लेती हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो है ना मैं जो भी लिखती हूँ ना इंग्लिश में, अगर आप बता रही है तो उसको मैं उर्दू में जो है ना इंग्लिश राइटिंग में लिख लेती हूँ, तो मेरे लिए भी
मैम एक प्रोडक्ट जो है वो पूरे एक 1 मंथ से, वैसे मेरा ही ख्याल है हम चार चार प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जैसे 1 वीक एक प्रोडक्ट का, लेकिन वो फिर ये होगा कि जैसे एक पूरे वीक में 7 डेज हैं, तो 7 डेज इनफ हैं कि अगर हर बंदा इस पे रीड करे और सर्च करे और फिर उसको प्रेजेंट करे। इसलिए कि हम ज़ाहिर है साथ साथ सिर्फ ये प्रोडक्ट नॉलेज पे काम नहीं करें, हम साथ साथ में क्लाइंट्स भी ले रहे हैं, तो वो फिर आपके पास थोड़ा सा जो नॉलेज है वो होगा। हम ये कर सकते हैं कि हम 1 मंथ में ही 4 प्रोडक्ट्स को करके नेक्स्ट मंथ में रिपीट कर लेंगे यही 4 प्रोडक्ट्स, जैसे आप बेहतर समझें। जी मैम, जैसे एक ब्लॉसम टी का हमारा इस वीक में चला, दूसरा भी एक शेक हो गया, अब दो चीजें जो है ना, दो इसमें प्रोडक्ट्स और ऐड कर दें। मैंने पीच भी किया है, मैंने बेरी, हाँ बेरी मैंने किया, और एलोवेरा प्लेन किया है। पीच मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा, कुछ लोग बहुत अच्छा वो टेस्ट उनको आ जाता है, बट मुझे नहीं, मुझे वो वाटरी टेस्ट उसमें ज्यादा लगा, शुगर कंटेंट।
यस, क्योंकि जब आप खुद नॉलेज गेन करो कि वही आप उनको लगना चाहिए कि यू हैव अ वैल्यू, यू यू नो एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई चाहिए होता है तो आप सीमा आपसे पूछ के, सीमा आप इसको क्या कहेंगे, इससे क्या कहेंगे, इस कस्टमर को क्या कहेंगे, इस क्लाइंट के साथ क्या बात करेंगे. खुद अपना जो नॉलेज होनी चाहिए वो होना चाहिए साथ में. जी, इसमें 20 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसमें 9 एसेंशियल हैं, बाकी नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बनाती है. तो दैट मींस हमारे जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल शेक है, उसमें ऑलरेडी 18 है. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल। और ये जैसे आप बात कर रही ना प्रोटीन शेक की, ये मेरा मैंने अब जब बिजनेस बॉक्स लिया था, फिर मेरे बेटे ने ट्राई किया और उसके बाद उसने कंटिन्यूअसली उसको जो है ना यानी कि अपने इस्तेमाल में लेके आया, और आप यकीन यानी कि 4 मंथ में के 3 मंथ में उसने माशाल्लाह 10 kg to 11 kg लूज किया।
सुबह को वो नहीं, मैंने नहीं बनाई, मैंने गलती की, लेकिन मैं कभी बनाऊंगी। लेकिन उस मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई है उस पर उसने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए। अब मैं उसकी बनाती हूँ वीडियो आज घर में और मैं इसको पोस्ट करती हूँ। और वो पहले वो जिनसे मके वो मेरी बेटी की फ्रेंड से मिले ना, उनकी फैमिली की तरफ गए, तो उसको काफी हेल्दी था। तो जब थोड़े टाइम के बाद, 2-3 मंथ के बाद जब उसको मिला, उन सबको मिला, तो क्या वो हैरान थे कि तुमने वेट कैसे लूज किया। फिर उसने बताया कि मैं प्रोटीन शेक जो है ना ये वाला यूज करता हूँ, और मैं मतलब एक्सरसाइज करता हूँ, ये मेरी मेरी डाइट चल रही है। उसका यानी कि मील था बस बॉयल्ड राइस, मम्मा मुझे बना दे और सालन कोई भी हो, रोटी नहीं ले रहा था। जब उसने अपना सारा बंद किया हुआ था, और प्रोटीन शेक जो है ना वो सुबह स्कूल जाने से पहले ठीक है वो अपना ले लेता था। और एक समटाइम कभी अगर नहीं मूड होता था खाने का, तो वो दोपहर या रात में भी एक दफा मतलब के ले लेता था हॉलीडेज में। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था। अभी वो मैंने उसका नहीं, अभी अभी मैंने उसका नहीं लिया है दोबारा, पाकिस्तान से वापस आके भी मैंने इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करवाया। तो वो कहता कि नहीं मेरा करे, मैं ये जितना दोबारा और लूज करना है, क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया था। फिर जारी बात, गए पाकिस्तान, वहां 16 ईयर्स के बाद में गई थी, वहां काफी इन्होंने बल्कि अच्छा टाइम दावतों में गुजरा, फिर घर आके भी वापस आके भी। तो इस वजह से जो है ना फिर वो थोड़ा सा उसका हो गया, क्या वो एवरी डे जो है ना, मामा मेरा वेट इतना हो गया, मेरा प्रोटीन शेक ऑर्डर कर दे, मैंने दोबारा उस रूटीन पे आना है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं कर देती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बड़ा अच्छा उसका वो रिजल्ट उसको जो है ना वो मिला। छोटा वाला भी जी 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 मैं जी जी मुझे सिर्फ एक चीज आपसे और पूछनी थी शुभम, कि मेरे एक क्लाइंट को मैं 2-3 महीने से चेस कर रही हूँ, उसको बेसिकली हार्मोन इश्यू हुआ है। बस वो पहले पाकिस्तान जाना था, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई, फिर इस तरह करते करते अभी वो कहती है हाँ ठीक है आंटी मैं करूंगी। उसको हार्मोन का इश्यू है ठीक है, और आगे जैसे अभी उसकी शादी है, तो जी फैमिली वाले को आपको पता पाकिस्तान में तो अमूमन तो होता है कि जी आज शादी हुई है कल लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चा हो जाए। तो जैसे जो उसको मसला है, जो कभी पीरियड्स हुए कभी नहीं हुए, तो उसके लिए मैं उसको क्या दूं कि वो कंसीव भी कर ले और उसका ये इशू भी है। एक तो वो मुझे पता है ना कि ये है हमारे पास जो एलोवेरा जेल जो है नेक्टरबेरी वो है ठीक है, एक मैं वो उसको दूं, और दूसरा रॉयल जेली दूं के जो बेस्ट हो, जिससे कि दोनों उसके जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और वो इजीली कंसीव भी कर सके। जी 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 ओके ठीक है जी, इंशाल्लाह जी। बस ये एक एलो नेक्टरबेरी और रॉयल जेली, ये दो चीजें मैं उनको जो है ना सजेस्ट कर। नहीं वेट उनका ज्यादा था, लेकिन वो अपने वेट पे जो है ना वो मतलब कि काफी वर्कआउट कर रही हैं, जिम जा रही हैं, और अपनी डाइट भी उन्हें जी बिल्कुल इंशाल्लाह शेक भी साथ स्टार्ट कर दो ठीक है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। इस मामा मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जैसे मेरी ये वेबसाइट बनाई है, तो मैं चाहूंगी कि हमारी टीम हमारी जितनी भी है मेंबर्स सब वो उस पे कमेंट्स करें। मैंने लिंक भी भेजा था, मैं दोबारा आपको लिंक भेज देती हूँ,
तो एक रिव्यू वाला लिंक है, जस्ट आप उसे ओपन करेंगे तो उसपे सिर्फ आप रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट वाला लिंक है, दो है, आप जाके वेबसाइट भी देख सकते हैं और उसको मतलब के कमेंट भी कर सकते हैं, सर देख भी सकते हैं सारा ना। तो काइंडली मैं कहूंगी कि अगर आप सब उस पे करें तो वो भी मेरे लिए भी जरा अच्छा होगा। वेबसाइट क्या चीज है? वेबसाइट में क्या है आपका? जी बिल्कुल, जी मैं अभी बताती हूँ, अगर उनके पास टाइम है तो मैं। नहीं, हाँ, यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम अगर हम लाइव भी करेंगे ना, तो एग्जैक्टली वो डिटेल में नहीं जाना है ना, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आने वाला. बट हाँ, इन जनरल जी के अमीनो एसिड्स की इम्पोर्टेंस बतानी है, या कैसे हम इसको आगे चलेंगे, वो सब. यस, दैट इज करेक्ट. क्योंकि ये सब हम एग्जैक्टली, ये तो इन जनरल हो गया, ये तो हो गया कि हमें पता होना चाहिए कि अगर 18 अमीनो एसिड्स हमारे शेक में हैं, कौन से हैं वो तो पता होना चाहिए. हम बोलते हैं हाँ 18 है हमारे, हमारा शेक लो हमारे 18 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं अमीनो एसिड्स हैं क्या. ये वो एटलीस्ट पता होना चाहिए. जी 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 जी, मैं जी देखती हूँ लाइव में कुछ लोग जिनको मैं देखती हूँ, बहुत दो दो तीन तीन घंटे वो लाइव करते रहते हैं हमारे. एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना, पहले से अगर आप कर रहे हो तो ना सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है. जी सॉरी, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ सब जानते होंगे मरियम मैम की, वो है एक डाउनलाइन है फरी बट, वो यहाँ पे मतलब के मैं कहती हूँ बर्मिंगम में वो रहती है और एवरी डे वो लाइव आती है। वही, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही थी. हाँ वो तो ऑलरेडी मैनेजर है ना, लेकिन उन्होंने जी, बहुत मेहनत करती हैं वो भी. लेकिन आप देखिए कि ठीक है वो मेहनत भी करती है, लेकिन सम टाइम वो आपने पता नहीं उनकी लाइव देखी है नहीं, अब उनकी लाइव थोड़ी सी जो है ना वो यानी कि सुनने में आया कि बेटर हुई है, लेकिन जितना मैंने सुना ना, क्लाइंट बनाना और बात है, लेकिन एक लाइव आके मतलब कि बहुत ही ज्यादा लाउड होना या ऐसी ऐसी वर्डिंग बोलना, ऐसी ऐसी यस बातें यस करना, यस वो एग्जैक्टली. चीज ठीक नहीं है। उससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, फिर उससे आप आगे अगर क्लाइंट लाते हो तो ये क्या बात है। बात तो वो है ना कि जब एक्चुअल में आप असल में सही तरीके से क्लाइंट बनाओ, सही तरीके से, जैसे अब आप मैम से, मामा मैम तो माशाल्लाह काफी आगे है, हम लोग जैसे नए हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं ना अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब काफी ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी इतने बन नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऐसा करती है। और इन्होंने मतलब कि अगर आप आके लाइव आके अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने इन लॉज या ऐसी मतलब के चीजों पे आप नेगेटिव. बोल रहे हो और बिचिंग कर रहे हो और फिर वहां से आपके लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर आप उनको अपना क्लाइंट बना रहे हो, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज कोई मतलब के खैर, वो तो है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अब देखें, एक
जो बैकग्राउंड डिफरेंट होता है दूसरे का डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं